गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कम्प्लीटेड 6A, टुडे वी विल डू 6B। 6B में हमें क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। इन पॉलीनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। ओके अंडरस्टूड। नाउ जैसे कि हमारे पास, हमने फर्स्ट वाले में भी फैक्टराइज ही करा था 6A में, 6B में भी आज हमारे पास फैक्टराइज है, तो इसको भी आज हम फैक्टराइज ही करेंगे। ओके जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप इसका देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए ब्रैकेट एफ प्लस जी प्लस बी ब्रैकेट एफ प्लस जी। आप देख रहे हैं इस दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है बच्चों, एफ प्लस जी। तो हम एफ प्लस जी को एक बार लिख देंगे एंड देन आफ्टर हमारे पास क्या बचता है, ए प्लस बी। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ओके बहुत ईजी है फैक्टराइज करना। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एक्स बी माइनस सी माइनस वाई बी माइनस सी। इसमें आप देखेंगे दोनों ही टर्म्स में बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास बच गया एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ऐसे ही आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 6C। 6C में ये भी इजी है, मैं इसका आपको दो पार्ट करके क्वेश्चन नंबर 6C का फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स स्क्वायर इनको हम सही से लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब इस दोनों टर्म में हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों में हमारा कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा ए प्लस बी, इस दोनों में हमारा कॉमन आ गया वाई स्क्वायर, तो यहाँ हमारा बचा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी ये दोनों ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a प्लस बी दोनों सेम है, तो इसलिए इसको हम ओनली वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और पार्ट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एम वाई प्लस एन जेड प्लस एम जेड प्लस एन वाई, ये क्वेश्चन है। ओके अंडरस्टूड। तो इसमें भी हम इसको पहले प्लेस चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं एम जेड प्लस एन वाई प्लस एन जेड। ओके मैंने इसे पहले लिखा, फिर इसे लिखा, फिर मैंने इसे लिखा, इसको लास्ट में लिखा। प्लस वाले में हम कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि बच्चों हम क्या करेंगे, 2 में 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 3 में 2 को प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो हमने अपने अर्लियर चैप्टर में स्टडी करी है। तो अब इस दोनों में हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा एम और यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड, इस दोनों में भी हमारा कॉमन आ गया प्लस एन, वाई प्लस जेड रिमेनिंग बचेगा, एम प्लस एन को एक साथ लिख लेंगे और वाई प्लस जेड को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा बच्चों सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कहेंगे सर इसमें तो सब माइनस वाली वैल्यू है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका भी करके दिखा देता हूँ। ए बी माइनस 5C प्लस 5A माइनस बी सी। अब मैंने ए बी को एक साथ लिखा, ओके इसके साथ मैंने ए वाली वैल्यू ले ली प्लस 5A देन माइनस बी सी देन माइनस 5C। ओके इस दोनों में हमारा कॉमन आ गया ए, यहाँ बचा बी प्लस 5, इस दोनों में हमारा कॉमन आ गया माइनस का सी, यहाँ हमारा बचेगा बी, ओके माइनस का बी बचेगा हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर फिर हमारा प्लस बचेगा, माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, यहाँ हमारा सी चला गया, तो क्या बचा बच्चों, 5 बचा। तो हम लिख देंगे ए माइनस सी
और b प्लस 5। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम एज यू कैन डू इन पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, दिस इज सेल्फ प्रैक्टिस 6C। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 6D। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।